हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी, डेली हिंदू नाज में आपका स्वागत है। 29 जून आज हो चुकी है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इकॉनमी के रिगार्डिंग है, एक वाटर क्राइसिस के रिगार्डिंग है और बड़े इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स आपको काफ़ी सारे मिलते हैं जो कि आप मेंस में लिख सकते हो। देखिए, एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर कई बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो बार बार आपको एक्सट्रैक्ट करनी होगी इन्फॉर्मेशन कि भाई हाँ, इस आर्टिकल में इस इशू के ऊपर बात हुई थी और उसका मेन पॉइंट ये था। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, कोई उसके एंगल जितने भी हो सकते हैं वो बताता हूँ, बाकी फाइनलाइज आपको करना है उसको कि बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे और उनके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको चुनने हैं। क्योंकि देखिए, मेंस आंसर राइटिंग जब होती है तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, लिमिटेड होता है और आपको पॉइंट्स में लिखना होता है अधिकतर टाइम पर। थोड़ा छोटा एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स भी होते हैं लेकिन पॉइंट्स में लिखना होता है तो बहुत ही कम, और सेलेक्टेड वर्ड्स के थ्रू आपको मैक्सिमम एक्सप्रेशन वहाँ पर करना होता है तो सबसे अप्रोप्रिएट आपको ढूंढना पड़ेगा और ये एक्सप्लेनेटरी आर्टिकल्स हैं। लेकिन पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आप उसमें से चुन चुन के लाएंगे कि हाँ, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हाँ, इस कम से कम वर्ड्स में ये ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है ये इशू जो है, तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो आप बहुत ध्यान से इनको सुना कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अफोर्डेबल कोर्सेज StudyIQ के द्वारा और इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है नीचे है, वीडियो के नीचे दिया हुआ सारा, और वहाँ पर नंबर्स वगैरह भी अवेलेबल है और ये भी नंबर्स है और ये एड्रेस है वेबसाइट का। PDF आपको यहाँ मिल जाता है इस फेसबुक ग्रुप के ऊपर, यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और ये है टेलीग्राम का लिंक जहाँ पर ये PDF अपलोड मैं करता हूँ, और StudyIQ का जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको पता ही होगा। अब पहला आर्टिकल है, इवन सेंट्रल बैंक्स नीड कैपिटल इन्फ्यूजन। देखिए, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए। बात इसमें की गई है, थोड़ा सा ये जो बालकृष्ण ने जो ये आर्टिकल लिखा है टफ है इसके लैंग्वेज और समझ में आसानी से नहीं आता है तो वो ध्यान से आपको सुनना चाहिए इसमें। लेकिन हाँ, मैं आपको इसके लिए सिंपल इसलिए कर दूंगा क्योंकि इसको ब्रॉड तरीके से हम लेंगे, क्योंकि इसमें बात मेनली ये कही गई है कि जो पॉलिसी का जो स्टैंड होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया तो वैसा ही अपनाना चाहिए, और सेंट्रल बैंक जो होते हैं देशों के अंदर, हमारे देश में RBI है, हर देश में सेंट्रल बैंक होता है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पिछले दिनों कई सारी बातें आई थी कि भाई ऑटोनॉमी का इशू है, कुछ गवर्नमेंट का प्रेशर है, कुछ इस तरह का है, लेकिन खुद उनके वर्किंग के अंदर भी कई सारे चैलेंजेस हमेशा लगातार बने रहे हैं। अब ये एक तो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक बड़ा मुद्दा सब बनाते हैं क्योंकि महंगाई जो होती है वो एक बड़ा प्रेशर डालती है पॉलिटिकली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है और वैसे भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल मैनेजमेंट सारा। तो इसके अंदर बात ये हुई है कि कैसे वर्ल्ड का जो इम्पैक्ट है वो देशों पर आता है वर्ल्ड ग्रोथ का, और जो पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से, और कैसे हमें लर्न करना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात इन्होंने की है। तो सेंट्रल बैंक के लिए कह रहे हैं कि देखिए, टाइटल क्या है, इवन सेंट्रल बैंक्स नीड कैपिटल इन्फ्यूजन। तो कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि कैपिटल इन्वेस्ट की जाए, पैसा दिया जाए, आइडियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल होते हैं और वो ज़्यादा बड़े कैपिटल होते हैं जब कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है उसके लिए, और रेगुलेशन का काम और जो सजेस्टिव मेजर्स क्वालिटेटिव मेजर्स बताने का काम और पॉलिसी का स्टैंड फिक्स करने का जो काम होता है वो आइडिया के ऊपर बेस्ड होता है, पॉलिसी के ऊपर बेस्ड होता है, तो वो भी उसका एक कैपिटल है। सिर्फ मनी टर्म्स में कैपिटल नहीं गिनी जाती है, ये भी एक कैपिटल है क्योंकि इससे फिर आगे और एग्जीक्यूशन होने वाला है। कैपिटल क्या चीज़ होती है, कैपिटल वो चीज़ होती है कि जो आपको एसेट क्रिएट कराने में मदद करे और बाद में उससे आप कमाई करेंगे, ठीक है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आइडियाज में भी होता है, पॉलिसीज में भी होता है, तरीकों में भी होता है, और उसमें सेंट्रल बैंक्स को सीखना लगातार चाहिए, ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम के पिनाकल पे है, सबसे ऊपर है, और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना उसका काम है। टाइम टू टाइम जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी होता है, जैसे कि NPA का क्राइसिस हुआ तो उसने बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स के हिसाब से स्कीम्स चलाने की कोशिश की है, बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, और उसका रोल बड़ा सेंट्रल रहा है इसके अंदर क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है वो बैंक्स के लिए RBI। और इसमें ये भी है कि गवर्नमेंट का बैंक भी इसको बोला जाता है RBI को, ये हम सब जानते हैं, बैंकर ऑफ बैंक्स होता है और गवर्नमेंट का भी बैंकर होता है, और वैसे जो कोई सरप्लस ये कमाता है तो वो डिविडेंड भी देता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए पूरा पूरा मतलब वर्क करता है जो सेंट्रल बैंक जो होता है, तो वैसे उनके लिए रेगुलेशन का काम करता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, और गवर्नमेंट के लिए एक असिस्टिव एक सेंट्रल बैंक जो देश के अंदर होना चाहिए वो होता है ये। तो इसके कारण ये कह रहे हैं कि इतने सारे रोल्स के कारण फंड्स जो हैं वो ही सिर्फ कैपिटल नहीं होते हैं सेंट्रल बैंक के लिए, आइडियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है। अब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक अरेंजमेंट जो है एक बार जो हो गया, जैसे मान लीजिए RBI एक्ट 1934 का एक्ट था, उसके हिसाब से एस्टेब्लिश हुआ, रोल्स डिसाइड हुए, काम डिसाइड हुआ और तरीके डिसाइड हुए,
लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे. इकोनॉमी में कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, हमेशा हर चीज़ जो है टाइम की डेरिवेटिव होती है, टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है. और हमेशा ही इकोनॉमी में तो वॉच रखनी पड़ती है. जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो सब ये होते हैं, वो आराम से नहीं बैठ सकते कभी भी, उनको हमेशा कंसिस्टेंट वॉच रखनी पड़ती है. छोटी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग काम होता है. इसलिए इकोनॉमिस्ट का काम सबसे टफ होता है दुनिया में. और इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा ही काम सेंट्रल बैंक का भी है और उसको लगातार जो है चेंज करते रहना चाहिए और अपग्रेड करना पड़ता है. क्योंकि जो एक पोजीशन होती है कि भाई देश का सेंट्रल बैंक है, वही डिसाइड करेगा, वही बात करेगा हर चीज़ में, वो रेगुलेशन करेगा. उसने बोला आरबीआई ने ये डिसाइड किया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को ऊपर किया, नीचे किया है, तो इस एक उसका जो पोजीशन है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी रेस्पेक्टेबल उसको मान लिया जाता है. और ये मानते हैं कि उसके रिगार्डिंग तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, कि उसका वर्किंग तो कभी क्वेश्चनेबल हो ही नहीं सकता है. बैंकों का शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका वर्किंग क्वेश्चनेबल हो जाता है कि भाई एनपीए हो रहे हैं तो ये काम सही नहीं कर रहा है, पीएनबी ये हो रहा है, लेकिन आरबीआई के रिगार्डिंग को ये नहीं बोलता है कभी भी. ऐसे सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में ऐसे माने जाते हैं कि वो वेनरेबल है, मतलब कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल है और बियॉन्ड क्वेरिंग है, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है. लेकिन ये कह रहे हैं कि फेल होते हैं और कई बार ये देखा जाता है कि जैसे गवर्नमेंट्स का प्रेशर होता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है कई बार आरबीआई को, जैसे आरबीआई या सेंट्रल बैंक्स को, कि भाई इन्फ्लेशन को टारगेट करना है. इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग क्या बनाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई 2016 में. वो पूरा काम उसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ही था और उसके थ्रू और मॉनेटरी मैनेजमेंट का था. तो ये एक बड़ा काम हो गया, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया कंपेरेटिवली. और इस चीज़ को देखते देखते उसका जो जिसको बोलते हैं व्यू जो है थोड़ा सा मायोपिक हो गया. मायोपिक कैसे, कि भाई शॉर्ट साइटेडनेस आ गई कि हाँ अभी का टाइम है उसको, उसका फिस्कल मैनेजमेंट तो चल ही रहा है लेकिन साथ में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को करते करते कई बार वो ब्रॉड लेवल के ऊपर और फिस्कल मैनेजमेंट को जो है मिस कर देते हैं कई बार. और इसका बड़ा एग्जांपल इन्होंने बताया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2008 में, ये एक बड़ा एग्जांपल था. जब दुनिया में इस तरह का क्राइसिस आया तब वहां पर क्या हो रहा था देशों में, ऐसे ही इन्फ्लेशन की टारगेटिंग को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया था. और उसके बाद में चीज़ सामने आई कि उसको देखते देखते और उसको फोकस करते करते और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मिस किया और इसके कारण क्राइसिस खड़ा हो गया बहुत बड़ा. और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न उन्होंने बताया, वॉशिंगटन कंसेंसस. ये क्या चीज़ है, देखिए 1980s के एंड में एक सेट हुआ एक तरीका, मान लीजिए जब ये जो 1991 का जो फेज़ आया और जो रशियन फेडरेशन बना और उससे पहले जो सोवियत यूनियन था उसका पूरा डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो वो किस लाइन पे था, वो आइडियोलॉजिकल लाइंस पे था. क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो सोशलिस्ट था और वेस्ट पूरा का पूरा क्या था, कैपिटलिस्ट था. ये था और एक्सपीरियंस था पहले से ग्रेट डिप्रेशन 1929 का, जब कैपिटलिज्म थोड़ा फेल हुआ था, लेकिन फिर भी मोर ऑफ द स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मतलब कैपिटलिज्म ही फॉलो हो रहा था वेस्ट के अंदर मेनली. और ये राइवलरी बहुत बड़ी थी कि रशिया का जो वे है, चाइना का जो वे है वो अलग है, इसका मतलब ईस्टर्न कंट्रीज का अलग है, इंडिया भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से चल रहा था वो अलग है, और वेस्ट जो है वो कैपिटलिस्ट तरीके से चल रहा है और काफी ग्रोथ भी वेस्ट ने की थी. तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, उसी चीज के रिगार्डिंग था कि वो हमेशा कैपिटलिस्ट टेंडेंसी, प्राइवेटाइजेशन और इन चीजों को प्रमोट कर रहा था. तो उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, ये देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन किसको मेंटेन किया जाए और पब्लिक एक्सपेंडिचर का रीओरिएंटेशन किया जाए, कि मतलब उनको देखा जाए. तो ये तो लिमिटेड रोल गवर्नमेंट का है. इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स, और वो हमेशा कंपनीज के एंटरप्रेन्योर्स के फेवर में होने चाहिए. फिस्कल लिबरलाइजेशन होना चाहिए, जितना हो लिबरलाइजेशन हो. जैसे हमने 91 में लिबरलाइजेशन को अपनाया था मजबूरी में, IMF की कंडीशन के बाद में, तो वो लिबरलाइजेशन जो है वो वेस्ट की थ्योरी के अंदर था पूरा, तो वो होना चाहिए. कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट्स होनी चाहिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन भी होना चाहिए जो कि कोर चीज़ है, ओपननेस टू FDI, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स. तो ये सारी चीज़ें जो किसके लिए सेंट्रल होती हैं, ये कैपिटलिज्म के अंदर सेंट्रल होती हैं, जहाँ पर कंपनीज कंपटीशन करती हैं और पूरा मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम होता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं. तो ईस्ट में इनको ज़्यादा अपनाया नहीं गया था, वेस्ट में ज़्यादा अपनाया गया था. तो इसको उन्होंने एकदम स्ट्रेट वे में और फिक्स कर दिया. और ये भी बताया कि भाई हमारी कंट्रीज तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, डेवलप्ड हैं वेस्ट की, तो और ईस्ट में भी इसको अपनाना चाहिए. तो वॉशिंगटन कंसेंसस ने एक तरह से एक पूरा फिक्स तरीका सेट कर दिया कि भाई सब देश इसको अपनाए, ये सबसे बेस्ट तरीका है. उसके बाद में ये चेंजेस भी आए कुछ इसमें, जब ये थोड़ा बहुत फेल हुआ तब ये चीज़ें भी सामने आई कि भाई एडिशन इसमें जोड़ा जाए, इनकी बात भी की जाए, WTO की बात भी की जाए, एंटी करप्शन की बात की जाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जाए, WTO अग्रीमेंट्स की बात की जाए, और कई सारी चीज़ें जिसमें प्रूडेंट मेजर्स को अपनाना पड़ेगा, मतलब इसके साथ में एडिशन में अपनाना पड़ेगा. ये कैसे हुआ, ये सीख से हुआ कि जब क्राइसिस हुआ उसके बाद में सीखा गया. तो ये प्लस आइटम्स है, प्लस 10 आइटम्स है. तो मेन आइटम्स यही है, वॉशिंगटन कंसेंसस जो है इन्हीं 10 प्रिंसिपल्स को बोलते हैं. अब बात ये है कि ये कैसे फेल हुआ, जब 2008 का क्राइसिस आया उससे पहले ये इसी पे चल रही थी दुनिया, मेनली वेस्ट कंट्रीज इसी पे चल रही थी, वॉशिंगटन कंसेंसस पे. लेकिन जब ये क्राइसिस आया तो ये चीज़ सामने आई
कि सबने वही नैरो पॉलिसी अपनाई, इन्फ्लेशन को टारगेट किया और इंटरेस्ट रेट्स को काफी फोकस किया और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थोड़ा सा इग्नोर किया, और उसके बाद में बहुत सारी चीजों को उन्होंने मिस कर दिया कि जैसे कोई एनपीएस वगैरह हो रहे हैं, कुछ और मतलब किस तरह का ट्रेंड चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, कहां पर हमें एक्सपेंशन करना है, कहां पे हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फिस्कल टारगेटिंग सही होती है, कई बार एक्सपेंशन करना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लंबे टाइम तक इन्फ्लेशन लो रहता है लेकिन इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं है, जैसा कि इंडिया इस टाइम पर चल रहा है। टिपिकल एग्जांपल है कि इन्फ्लेशन लगातार गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने बहुत लो रखा है, बहुत लो रखा है, बहुत उसकी बढ़ाई ले रही है, लेकिन 2011 के बाद से एम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी स्थिति में है, वो लगातार चल रहा है। और ये बहुत बड़ा साइन भी है कि कल को हमारी इकोनॉमी फेल हो सकती है क्योंकि हमारी जॉबलेस ग्रोथ है, तो होगा क्या फिर इस तरह से चलता रहा तो इन्फ्लेशन तो कम दिखा रहे हैं लेकिन इधर जो है ग्रोथ कम है, लगातार इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लो स्तर पे है, ना प्राइवेट आ रहा है ना गवर्नमेंट आ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट का स्थिति वो भी कमजोर है। इसका मतलब या तो ऐसा है कि कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है इकोनॉमी के बारे में, या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं और हम मायोपिक हो रहे हैं वेस्ट की तरह, जैसे कि उन्होंने टारगेटिंग की तो हम भी टारगेटिंग में लगे हुए हैं, हम भी सिर्फ बात इन्फ्लेशन की ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ रिस्की है। और ये 2008 में ये चीज़ सामने भी आई जब ये क्राइसिस खड़ा हो गया बहुत बड़ा और अनमैनेजेबल क्राइसिस हो गया, क्योंकि उन्होंने बैंकों को और जो लोन्स फेल हो रहे थे उनको नहीं देखा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं उनके नहीं मैनेजमेंट को देखा और सिर्फ टारगेटिंग में लगे रहे, और अधिकतर बात सिर्फ रेट्स की होती रही, भी फेडरल रेट्स ऐसे हो रही हैं, ऊपर हो रही हैं, नीचे हो रही हैं, ये बात होती रही और बाद में ये फेल हुआ। तब ये चीज़ निकल के आई कि भाई जो मैनेजमेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट है, वो कई तरीके से देखना पड़ेगा और उसको एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग के तरीके से नहीं देख सकते हम। और इसीलिए इसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि इंडिया में एक टिपिकल कंडीशन चल रही है जहां पर इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है कि हमने इन्फ्लेशन को कम रखा है, पिछले गवर्नमेंट्स में बहुत इन्फ्लेशन था उसको हमने कम रखा है, तो उसी का पूरा वही पॉलिटिकल एक तरह से उसको लेंस से देखा जा रहा है कि भाई हमने बहुत बेटर किया है और इन्फ्लेशन कम रखा है। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ सही है कि वो इन्फ्लेशन किस तरह का दिखा रहे हैं, WPI में इन्फ्लेशन कम है लेकिन रिटेल में इतना कम नहीं है, और महंगाई इतनी कम हुई भी नहीं है, GST इम्प्लीमेंटेशन के बाद में भी देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, तो उसमें भी कई तरह के कन्फ्यूजन्स हैं डेटा के अंदर। लेकिन खैर, जो गवर्नमेंट बोलती है उस चीज़ को ही मानते हुए राइटर कह रहा है कि उसको भी माने तो भी ये तरीका सही नहीं है, और इसमें RBI जो है उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर RBI कुछ बात यह आती है कि कई बार ये ज्ञान देने लग जाता है कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट को बोलने लग जाता है, और उल्टा प्रेशर भी जो है आ रहा है, इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिजाइन किया, पहले राजन गए, फिर उर्जित पटेल गए, अभी आचार्य गए, तो ऐसा क्यों है? एक तो ये रीज़न बड़ा है, और RBI की वर्किंग जो है उसके ऊपर कई क्वेश्चन खड़े होते हैं कि भाई एक तरफ से प्रेशर भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्रेशर आता है, जो सेक्शन 7 का जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया, जो कभी नहीं यूज़ किया था, जिसमें RBI को डिक्टेट करता है गवर्नमेंट, वैसा एक तो हुआ, एक तरफ वो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई नहीं, और एक तरफ RBI इसी के चलते हुए और गवर्नमेंट को डिक्टेट करने लग जाता है कि भाई आप फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान दीजिए बार बार, और इस बीच जो है कुछ फेलियर्स RBI के हुए हैं जिसके रिगार्डिंग राइटर बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि 2013 के बाद में से इन्फ्लेशन टारगेटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, बहुत ज़्यादा ये किया, क्योंकि 13 में तो ये सिचुएशन थी कि बहुत महंगाई हो गई थी भयंकर वाली, और 10 से ही चल रहा था ये, जब 10 में सबसे पहले प्याज महंगे हुए थे, उसके बाद में ये चलता आ रहा था, फिर ऑयल की प्राइसेस काफ़ी महंगी हो गई थी इंटरनेशनल जो मार्केट में, $140 पर बैरल पहुंच गई थी, और उसके कारण इसको टारगेट करना ज़रूरी हो गया था उस टाइम पर, लेकिन बाद में प्राइसेस बिल्कुल हैवीली कम हो गई थी और $40-$50 पे आ गई थी पर बैरल, तो बहुत बड़ा चेंज आया था उसके अंदर, और उसके पहले ऑयल ही सबसे बड़ा रीजन था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद में भी टारगेटिंग को लगातार करते रहे, और फिर रियल पॉलिसी रेट जो है वो एक तरह से कम होनी चाहिए थी लेकिन वो बढ़ गई उल्टा, और रियल पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ गई। दूसरा, जो बोरोइंग है वो इतनी नहीं कर पाए रियल पॉलिसी रेट्स ऊपर जाने के कारण, और फिर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट गिर गया, तो तब से ये चीज चल रही है कि न तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है न ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक बड़ा फेलियर है, ये दो इंस्टांसेस हैं फेलियर के। और इन्फ्लेशन जो है वो हैवीली कम डाउन हुआ है, नीचे आया है, लेकिन वो किस रीजन से आया, उसके दो रीजन बता रहे राइटर, कह रहे हैं कि जो इन्होंने टारगेटिंग की वो कोई मेन इशू इसका नहीं था, और ये मतलब एक इसको मानना पूरी तरह से गलत है, 100% इसको मानना गलत है कि भाई उनके टारगेटिंग के कारण इन्फ्लेशन कम हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि ग्रोथ स्लो पड़ गई तब भी इन्फ्लेशन कम होता है, जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होती है, मान लीजिए जो कंपनीज है उनका सामान बिक नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, प्राइसेस को कम करेंगे ना। अब उनका प्रोडक्शन चाहे महंगा ही रहा हो, चाहे मान लीजिए गाड़ी 1-2 लाख रुपए में बनी हो, लेकिन जब कोई बिक ही नहीं रहा है तो वो यही चाहेंगे ना कि चाहे कोई 1.5 लाख में भी खरीद ले, तो इसके कारण भी ग्रोथ जो होने के कारण भी कम आता है इन्फ्लेशन, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कम किया है लगातार,
और हमने प्रूडेंट पॉलिसी अपनाई है इसलिए कम हुआ है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रोथ कम है, लेकिन उन्होंने नंबर्स काफी अच्छे दिखाए कि भाई ये है, लेकिन अभी जो सुपरमैनियम वाले जो रिपोर्ट है उसमें ये दिखाया गया कि भाई ग्रोथ के नंबर जो है वो एग्जैजरेटेड हो सकते हैं, 2.5% तक का डिफरेंस हो सकता है। तो हो सकता है कि वो जो बात इंडिकेशन करना चाह रहे हैं वो सच हो और ग्रोथ सच में नहीं होगी। और वैसे भी बहुत सारे एरियाज में देखा गया कि ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में बिल्कुल एक ऑल टाइम लो पे चल रही है सेल्स और ये सब चीजें चल रही हैं। तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हो सकता है इसके कारण भी इन्फ्लेशन कम हो, ये हो सकता है, ये देखा गया है बहुत जगह कि सेल्स नहीं है, लेकिन वो क्रेडिट किस चीज पे ले रहे हैं कि हमने इन्फ्लेशन की टारगेटिंग की है, हमने उसको कम रखा है। तो ये चीज है, तो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं कि पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं, कुछ शक है उसके अंदर। तो स्लोइंग ग्रोथ के कारण भी हो सकता है कम आया हो। दूसरा, ऑयल की प्राइसेस कम हुई थी भाई, बहुत ज्यादा कम हुई थी, जहां पर 140 और डॉलर पर बैरल थी वहां से आ गई $40 पर बैरल के ऊपर, कुछ सालों तक रही थी 50 तक लगभग रही है, 50-55 तक एवरेज रही है 3-4 सालों तक। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। और ये चीज का क्या मतलब था कि भाई जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये कहा था कि मार्केट के हिसाब से हमने कर दिया है, उससे पहले गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती थी, बाद में उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने बोला कि मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, तो जैसे मार्केट में बढ़ेगी प्राइस इंटरनेशनली वैसे ही यहां भी बढ़ेंगी, अगर वहां पे घटेगी तो यहां पर घटेंगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब कम आई जो एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पर, जब ये $40-50 पे आ गई, तब उसके हिसाब से भी वही रूल अप्लाई था कि भाई मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, तो कम आनी चाहिए थी प्राइसेस, लेकिन कम नहीं हुई, तो उन्होंने कम भी नहीं की। तो इसका मतलब अगर वो यूपीए के हिसाब से चलते तो और ज्यादा प्राइसेस कम होनी चाहिए थी ऑयल की, और उसके हिसाब से फिर इन्फ्लेशन और कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कह रहे कि हमने इन्फ्लेशन कम रखा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं थोड़ी सी, तो ये भी रीजन कह रहे हैं कि ये भी एक रीजन था कि प्राइसेस जो है वो कम आ गई थी, इन्फ्लेशन कम हो गया था। तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो उन्होंने पूरा प्योर मुद्दा बना दिया था 13 के बाद में, उसका बड़ा असर नहीं पड़ा, ये दो बड़े फैक्टर थे जिसके कारण भी इन्फ्लेशन कम हुआ था। तो ये एक चीज है। अब ये कह रहे हैं कि आयरोनिकली हमारे देश के अंदर ये एग्जाम्पल फिर से खड़ा हो रहा है कि जहां पर ग्रोथ कम है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन जो है टारगेट किया जा रहा है इन्फ्लेशन को, ऐसा ही 2008 के क्राइसिस के पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था, लेकिन यहां पर भी ये चल रहा है और बड़े क्वेश्चन भी खड़े हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन के चलते हुए आरबीआई को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो ही एक सोल मुद्दा नहीं बन सकता है इकोनॉमी मैनेज करने का, फिस्कल प्रूडेंस बहुत जरूरी है, फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल डेफिसिट का मैनेजमेंट और कंसोलिडेशन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इन्फ्लेशन को टारगेट करना नहीं भी चाहिए और फैक्टर्स को देखते हुए, ये भी एक जरूरी चीज है, और एक्सपेंशनरी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, जैसा कि अभी अपनाए भी जा रहे हैं कि भाई जैसे इंटरेस्ट रेट कम है अभी 5.75 पे है, तो ये एक्सपेंशनरी मेजर है। एक्सपेंशनरी मतलब कि कैसे एक्सपेंशनरी मनी का सप्लाई बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंशन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जब लो इंटरेस्ट रेट रहेगी तो ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में लोग आएंगे चीजें खरीदने के लिए और वो खूब खरीदेंगे, उनके पास जेब में पैसा होगा क्योंकि भाई लोन सस्ता है। तो जैसे मान लीजिए कोई लोन लेता है गाड़ी का या होम लोन लेता है तो इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन ज्यादा लेंगे और फिर वो मकान बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, तो इस तरह से फिर बूस्ट आता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये चीज है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि अपना भी रहा है, लेकिन कोई एक थॉट पर फिक्स नहीं हो सकता है, कोई एक थॉट का गुलाम नहीं हो सकता, जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग है तो उसका गुलाम नहीं हो सकता आरबीआई, और गवर्नमेंट का चाहे कुछ भी कह रही है उसके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, वो पॉलिटिकल रीजन ज्यादा होते हैं, तो उसको खुद का एक तो ऑटोनॉमी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ी चीज है कि ऑटोनॉमी तो मेंटेन हो, ये हम चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करें, लेकिन साथ में इनोवेशन भी रखे अपने आइडियाज के अंदर, लगातार इसमें उसके हिसाब से काम करें, इन्फ्लेशन को भी पूरा टारगेट नहीं बनाना है इस टाइम पर, ये कह रहे हैं। ये है इस आर्टिकल का सार, बड़ा टफ आर्टिकल था लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, बहुत सारे इश्यूज को इसने कवर किया है तो वो समझाना भी जरूरी था, तो टाइम थोड़ा लगा है। नेक्स्ट आर्टिकल ये देखिए, आप थोड़ा खुद पढ़िए इसको, क्योंकि इसमें बात ये बोली गई है, रिपीटेड बात है कि भाई कैसे इग्नोर किया जाता है सिचुएशन को। 2015 दिसंबर में फ्लड आई थी, क्यों? क्योंकि जो चेन्नई है उसका जो लोकेशन है जियोग्राफिकली, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, इस तरह से ये होगा, तो ये चेन्नई है, यहां पर है चेन्नई, इस जगह पर सॉरी ये है इस जगह, तो ये बे ऑफ बंगाल इधर कोस्टल एरिया है। अब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है, अभी तो साउथ वेस्ट चल रहा है, वो इस तरह से जाता है पूरे देश में, लेकिन यहां पर इस एरिया में नहीं जाता है वो, यहां पर कौन सा आता है, जब रिट्रीट होकर आता है तो इधर से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है, इस तरह से उसकी डायरेक्शन जस्ट उल्टी हो जाती है, और यहां पर फिर बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी उठा के यहां बारिश करता है। तो अक्टूबर नवंबर में खूब भयंकर वाली बारिश हुई थी, फ्लड आया था, क्यों फ्लड आया था, क्योंकि
जिस एरिया में वेटलैंड थे, लो लाइंग एरियाज थे, वहां पर सब जगह कंस्ट्रक्शन हो गया, तो सब ब्लॉक हो गया, तो पानी इकट्ठा कैसे हो, निकले कैसे बाहर? एक तो भीड़ इतनी होती है शहर के अंदर, तो पानी बाहर कैसे निकले? और दूसरा, जहां पर इकट्ठा होता है वहां पर इकट्ठा नहीं हो पाया, सिल्टिंग हो गई और वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर सारे सिटी में बाढ़ आ गई, बुरी तरह से बाढ़ आ गई और बहुत लोगों की जान भी चली गई, बहुत बड़ा क्राइसिस भी खड़ा हुआ। ऐसे में किस तरह से आगे इनको करना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, उससे सीख लेनी चाहिए थी और डिसिल्टिंग करना चाहिए था। और ये भी ध्यान देना चाहिए था कि उस टाइम फ्लड आया और अगर सब घरों के अंदर, सब बिल्डिंग्स के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग रहती तो पानी इकट्ठा रहता, ठीक है, पानी इकट्ठा हो सकता था, लेकिन आज पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि 200 दिन से बारिश नहीं हुई है और बारिश नहीं होने के कारण क्या हुआ है, बड़ा क्राइसिस है। पानी लगातार धूप आती है तो सूखता रहता है, सारे जलाशय वगैरह जो सब सूख जाते हैं, तो ऐसे में वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था। जयललिता जब आई थी उससे पहले ही, 2 साल पहले स्टार्ट हो गया था, 2003 में उन्होंने पूरा इसको मैंडेटरी कर दिया था कि वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए हर घर में, हर बिल्डिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया बिल्डिंग बनेगा, चाहे घर हो चाहे ऑफिशियल बिल्डिंग हो, उसके अंदर सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक जब तक ये वाटर हार्वेस्टिंग का नहीं उसमें अरेंजमेंट होगा। लेकिन फर्जीवाड़ा हुआ और ऐसे ही क्लियरेंस दिए गए और आज वो चीज़ सामने आती है। आज वो दोबारा से उसका सर्च करने गए हैं कि भाई कौन कौन सी बिल्डिंग में नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग का, तो ये पता लगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में ही नहीं है, पुलिसेस में, हॉस्पिटल्स में, कोई बहुत सारी जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग का कोई स्रोत ही नहीं है और वो डिपेंडेंट है, चाहे वो ट्यूबवेल्स वगैरह हो, चाहे वो कोई और जरिया हो, और उस पर डिपेंडेंट है। तो ये स्थिति आ जाइए, मतलब कि जैसे फायर फाइटिंग का काम करते हैं कि भाई आग लगने के बाद में पानी फेंकते हैं उसके अंदर, फायर फाइटिंग वाला काम होता है, वो मेजर इस क्राइसिस में अपनाए जा रहे हैं। और ये रीजन है कि कैसे इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ है। आज क्या स्थिति है, देखिए 10 मिलियन लीटर्स अ डे, 10 मिलियन लीटर्स कितना होता है पानी को अगर देखें तो ये हो गया लगभग 1 करोड़ लीटर। 1 करोड़ तो जनसंख्या है चेन्नई की, इसका मतलब हर आदमी को एक दिन में 1 लीटर पानी मिलेगा भाई, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1 ही लीटर पानी मिलेगा पूरे दिन में, तो क्या 1 लीटर से पानी काम चल सकता है? आप सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस है और कैसे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो नंबर्स दिखाकर, मिलियंस में बोल के, बिलियंस में बोल के, मतलब बहुत बड़ी बात बताई जाती है पॉलिटिकली। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये कोई ज़्यादा बड़ा क्राइसिस नहीं है, इसको बदनाम हमें ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, ये पलानी स्वामी ने बोला था। लेकिन ये आप जो इसके इनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताते हैं कि 10 मिलियन जो लीटर पानी है वो एक दिन में पर आदमी को दिया जा रहा है, मतलब 1 लीटर पर आदमी को मिलेगा और पूरी सिटी को 10 मिलियन ही मिलेगा एक दिन में, तो ये क्राइसिस तो बहुत बड़ा है। और वो भी पानी आसपास से आ रहा है, जैसे जोलारपेट्टाई जो जगह है चेन्नई के पास में, वहाँ से आएगा और वेलोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और केरला को भी जो है रिक्वेस्ट की गई थी, केरला ने खुद भी ऑफर किया था, उसको अपना लिया गया है। तो ये अब इमरजेंसी मेजर्स हैं, लेकिन बात ये कि इससे क्या काम निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा इससे। और जो ये इश्यूज हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो इग्नोरेंस हुआ है, ये इसका बड़ा रीजन है। और दूसरा, जो वेटलैंड्स को नहीं चेक करना, उनकी डीसिल्टिंग को नहीं चेक करना, जैसे लेक्स हैं, कोई वेटलैंड्स हैं, उनके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है, और फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ये है और इसमें इतनी मिट्टी जम गई, तो इतना ही पानी इसमें इकट्ठा होगा जब भी कोई आएगा, अगर इसको नहीं निकाला गया तो इतना ही पानी इकट्ठा कर पाएगा। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है, लेकिन अभी कितनी बच गई, 50 बच गई, क्योंकि नीचे सिल्ट जमा हो गया, उसको निकाल दिया जाएगा तो 100 लीटर पानी इसमें आ सकता है, तो ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। अभी वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कमज़ोर है, इसका भी ये भी बड़ा रीज़न है कि आज क्राइसिस है। इंडिया में ये बोला जा रहा है कि 20 तक 20 से 25 सिटीज़ में पानी खत्म हो जाएगा, पानी ही नहीं होगा वहाँ पर। और इंडिया की कंडीशन आपको पता है कि सिटीज़ में क्या होता है, इतनी बड़ी डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, सब लोग वहीं पे फ्लॉक कर रहे हैं, सब वहीं पे आ जा रहे हैं और सबको एम्प्लॉयमेंट वहीं पे दिखता है, तो बाकी जगह तो खाली पड़ी है, शहरों में लोग भर गए हैं और वहाँ पर क्राइसिस है इतना बड़ा, तो देखिए क्या गंदी स्थिति होने वाली है। और वहाँ पर जो अर्बन पुअर्स हैं उनकी हालत सबसे बुरी होगी। आज चेन्नई में 6,000 रुपये में एक टैंकर आ रहा है, 6,000 रुपये के अंदर, इतनी बुरी स्थिति है। तो वो जो पानी बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो एक सोल्यूशन ये है कि पास में समुद्र है तो जो उसका जो सेलाइन वाटर है उसको डिसलाइनेशन किया जाए और वो पानी अवेलेबल करवाया जाए, और अगर उसके प्लांट्स बहुत सारे लगेंगे तो वो 6 पैसे पर लीटर से भी सस्ता हो जाएगा। इसका मतलब वो समुद्र का पानी साफ करके पीना ज़्यादा सस्ता है और ये टैंकर मंगाना बहुत महंगा आज हो गया है। तो इस स्थिति में हम आ गए हैं कि हम ओशन से पानी लेने के कगार पे आ चुके हैं। तो ये सिम्टम जो हैं ये बड़े खतरनाक हैं। और 16 साल पहले जो ये मैंडेटरी प्रोविजन हुए थे कि भाई इसको चेक करना पड़ेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, आज 16 साल बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पर आ गए। और ये चीज़ सामने आ रही है कि चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, इनमें भी जो है पानी का हार्वेस्टिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है और इनको भी ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब रिस्क पर चल रहे हैं सब कुछ, भगवान भरोसे है।
तो मॉनसून अच्छा आया तो फिर सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर बुरी हालत है। लेकिन यह है कि रिच क्लास रहते हैं सिटी में, वो तो कैसे भी अपना अरेंज करवा लेते हैं, अब तो 6000 का टैंकर आता है तो वो अरेंज कर लेंगे उसको, लेकिन गरीब आदमी कैसे करेगा। इसका मतलब क्या चीज़ चल रही है, एक ट्रेंड देखिए दुनिया के अंदर कि गरीब आदमी की जिंदगी इम्पॉसिबल होती जा रही है। तो क्या होगा कि ये जो पॉपुलेशन है ये कैसे दुनिया बैलेंस कर रही है, अर्थ कैसे बैलेंस कर रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है और इंसान खुद अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है, लेकिन इनइक्वालिटी के कारण जो गरीब है वो साफ हो जाएगा इस दुनिया से। तो अल्टीमेटली इस ये तरीका चलेगा। तो अल्टीमेटली इसका क्या मीनिंग निकलता है, मीनिंग ये निकलता है कि हम लाइफ का इंपॉर्टेंस ही नहीं रख रहे हैं, वो गायब हो रही है। मतलब कोई गरीब है वो मर रहा है तो मर रहा है, उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं, वो गरीब है। इसका मतलब हम एपैथी बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है। हम जानते हैं कि इस देश में क्राइसिस ऐसा होगा, इस तरह के क्राइसिस शहरों में होंगे तो गरीब ही मरेगा, चाहे वो पोल्यूशन हो, वो भी गंदा पानी पी रहा है पोल्यूशन के कारण और वो इतनी बीमारियां झेल रहा है। गर्मी दिल्ली जैसे शहरों के अंदर आप देखिए नॉर्मली टेम्परेचर क्या है, 45 से ऊपर है, लेकिन अर्बन हीट आइलैंड आपने नाम सुना होगा, वो क्या होता है कि शहर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है, दिन में कंक्रीट की बिल्डिंग जो होती हैं वो गर्मी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो रात को छोड़ती हैं वो गर्मी दोबारा से, तो जो सिटी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो 50 से ऊपर होता है और उसमें जो है रोड पे बेचारे वो गरीब सोते हैं। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर पानी की समस्या हर तरह से, और गरीब उसको झेल रहा है वही मरेगा। हर बार सर्दी में लोग मर जाते हैं रोड के ऊपर, गर्मी भी लोग सनस्ट्रोक से मर जाते हैं, मतलब गरीब मर रहा है लगातार। इसका मतलब गरीब के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ये हमें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या जो है, मॉरल समस्या बहुत खड़ी हो गई है। तो एक तो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, इग्नोरेंट होते जा रहे हैं और मॉरालिटी खत्म होती जा रही है। तो ये सबसे बड़े रीजन निकल के आते हैं आज सारे क्राइसिस के। आज दुनिया में पानी का क्राइसिस है, चाहे कुछ भी क्राइसिस है, वो सब क्यों बढ़ रहा है, वो बढ़ इसलिए रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी बहुत होता था, लेकिन बढ़ इसलिए रहा क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा और इस तरह से लाइफ जी रहे हैं कि बिल्कुल अपैथी है गरीब के रिगार्डिंग और कोई कंसर्न नहीं है। तो कल को मान लीजिए कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है जो कि रिच क्लास को भी टारगेट करती है, तो फिर वो लोग क्यों दया, हम भी दया करेंगे। कल को मान लीजिए कोई ऐसा रिबेलियन होता है, कोई ऐसा क्राइसिस खड़ा होता है, टेररिज्म को ही ले लीजिए, टेररिज्म को करने वाले जो लोग हैं वो कोई बहुत बड़े रिच क्लास थोड़ी है अधिकतर, वो अधिकतर तो उसी अनडेवलप्ड एरिया से आ रहे हैं और जो गरीबी है, जो समस्या है, स्ट्रेस है लाइफ का, वही कई लोगों को टारगेट कर रहा है और वही कई लोगों को ट्रिगर कर रहा है वो टेररिज्म को रास्ता अपनाने के लिए। तो क्योंकि वो डिस्टोर्टेड हो जाते हैं माइंड उनका और वो टेररिज्म को अपना लेते हैं, तो किसको टारगेट कर रहे हैं, वो उसी सिटी की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। अधिकतर जो अटैक कहाँ हो रहे हैं, बड़ी सिटीज में हो रहे हैं, तो कल को फिर वो भी उन पर दया नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कौन टारगेट हो रहा है, वही अमीर लोग हो रहे हैं जो उन गरीब लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो इनको इग्नोर कर रहे हैं और वो लगातार ऐसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है और गरीब के लिए रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और सेटिंग देखिए गवर्नमेंट्स की, पॉलिसीज की, सबकी ऐसी होती है कि भाई जो रिच क्लास है उसके लिए तो जीना आसान है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो देखिए ऐसे होता है बैलेंस कि जब हम गरीबी को इग्नोर करते हैं और अपनी मोरालिटी जब डिस्ट्रॉय होती है तो कैसे वो चीज़ घूम के अपने सामने ही आती है। फ्रांस में नाइस में जो अटैक हुआ था तो कितने सारे सिर्फ जो उसमें जो अर्बन जो लोग थे उन्हीं के ऊपर ट्रक चढ़ाया गया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था और बड़ा इनह्यूमन तरीके से मारा गया था। तो वो क्या चीज़ थी, उसमें एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी था जो टेररिस्ट बन गया और उसने ट्रक चढ़ा दिया बहुत सारे लोगों के ऊपर जो कि शहर के अंदर उस न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति आती है और ये कैसे आई, घूम फिर के देखिए रिलेशन कैसे होता है, मतलब कि पानी के क्राइसिस का और कहां पर लिंक जा रहा है, उसका लिंक कैसे जा रहा है कि भाई उसका कॉन्सिक्वेंस निकलेगा वो सारा। ठीक है, और हालांकि हम थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं इस टॉपिक से, लेकिन डेविएशन का मतलब नहीं है, यहां पर लिंक बिठाना बहुत जरूरी है कि भाई इसमें पॉवर्टी इन्वॉल्व है, इसमें इग्नोरेंस इन्वॉल्व है और इसमें एपैथी इन्वॉल्व है और इसमें जो एक तरीका है कि क्या फर्क पड़ता है, पढ़ने दो, ये जो तरीका है जिम्मेदारी को भूल जाने का, ये क्या क्या कॉन्सिक्वेंस लेके आता है दुनिया के अंदर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और ये ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट होता है बात क्राइसिस से, मुझे क्राइसिस कहां तक चला जाता है, बहुत आगे तक चला जाएगा क्योंकि जब लोग इस तरह से क्राइसिस में जिएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, कोई भी मरना तो अपनी इच्छा से चाहता नहीं है, फिर वो क्या करें, कोई ना कोई ड्रास्टिक तरीका अपनाएंगे और फिर ये क्राइसिस खड़ा होता है। तो ये बात है, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही चीज़ दिखाती है कि 21 सिटीज़ जो हैं वो आउट ऑफ वाटर चली जाएंगी और ये कॉस्ट पड़ रही है पानी की, इसमें हम मजबूर हैं समुद्र से पानी लेने के लिए। दूसरी बात, डिसैलिनेशन, दो तरीके उन्होंने अपनाए हैं, बताए हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकते हैं कोस्टल एरियाज में, एक तो ओशन का वाटर जो है वो साफ करके पिया जाए, दूसरा डिसैलिनेशन जो है प्लांट्स का वो किया जाए, और सॉरी ये जो ये नहीं है ये वाला डीसिल्टिंग वाला जो इशू है, जो लेक्स का डीसिल्ट किया जाए कि उनमें सिल्ट इकट्ठा हो गया उसको साफ किया जाए। तो दो तरीके हैं जो साउथ इंडिया में अप्लाई किए जा सकते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है,
क्योंकि वहां पर ये नॉर्थ इंडिया वाली जो रिवर्स है, जैसे ग्लेशियर जो आ रही है हिमालय के, वो वाली रिवर्स वहां पर नहीं, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। लेकिन वहां पर ये भी एक चीज है कि ओशन पास में है, तो ये एक सोल्यूशन निकल सकता है। तो उनको ऐसे प्लांट्स लगाने चाहिए और ये मजबूरी भी है, लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम्स बताई गई हैं और सॉल्यूशंस बताए गए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। आईटी कॉरिडोर के बारे में बताया गया कि वहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो भी इग्नोरेंट है, और उन्होंने उनको अलाउ कर दिया है रहने के लिए, और उनको बहुत सारा कुछ जरूरत पड़ती है पानी वगैरह की, लेकिन जो खुद से कुछ अगर सही स्टेप्स उठा रहे हैं अवेयर होकर और वाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और बाकी जो है अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं घर से काम करो, यहाँ पर पानी नहीं है ऑफिस के अंदर, ऐसी स्थिति है और देखने को मिल रही है। दिल्ली के आसपास भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, कई बार देखने को मिलती है, नोएडा में और गुड़गांव में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है गर्मियों में, क्योंकि पानी जो है अगर एक भी दिन कहीं पर सप्लाई नहीं आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ सिटीज़ का एग्जांपल यहाँ पर दिया, जैसे केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, उसने कई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। और इनसे जो रिलेटेड क्राइसिस हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे चेन्नई में बहुत सारी जो वीमेन है उनको अटैक किया गया था, क्योंकि वो पानी लेने उन्हीं को भेजते हैं बेचारे जो घर में, और जो मेल्स हैं वो पानी लेने अधिकतर नहीं जाते हैं, अधिकतर बच्चे और फीमेल्स ही वहाँ पर घूमते रहते हैं डब्बे लेकर खाली, तो उन पर अटैक हो गया। पानी की समस्या इतनी बुरी है कि वो क्राइसिस है एक बड़ा, और क्राइसिस में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये समस्याएं हैं सारी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मैं हमेशा बोलता हूँ, और एक तरफ सॉल्यूशन ये हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो कल एक न्यूज आई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया था रिजर्वेशन को। देखिए मराठास को 60% दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला है कि 13% ही दीजिए, 60% नहीं दीजिए, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 35% बस बचा है, और जो ये स्पेसिफिक जो घोषित किया गया है वो 13% अपहेल्ड किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। एसटीज को 7 है, एससीज को 13 है, ओबीसीज को 19 है। तो आप देखिए नंबर्स कैसे सेट हो रहे हैं यहां पर। एक तो कैटेगरीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये भी एक साथ में एक फैक्ट चलता है कि पॉपुलेशंस भी उसमें कवर हो रही हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये घूम फिर कहा वही रहा है कि जो पॉपुलेशंस हैं वो अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं, और अब जब मराठास को भी दे दिया तो वो 50% वाली जो कैप है वो तो सेंटर ने खुद ही तोड़ दी जब ईबीसी वाला दिया था, और बहुत सारे स्टेट्स में पहले से ही ये तोड़ा गया है, राजस्थान में भी तोड़ा गया है और तमिलनाडु में पहले से है ही, अब बॉम्बे में भी ये चीज़, महाराष्ट्र में भी ये चीज़ हो गई है। और इसको एक नई कैटेगरी जो बनाई गई थी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड वाली, उसके रिगार्डिंग एक्ट भी ये लेके आए थे, लॉ लेके आए हैं। तो अब इसको अपहेल्ड करने का मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो भी ये एक्सेप्ट कर रही है कि समस्या बहुत बड़ी है, और जो पॉपुलेशन हैं, डेमोग्राफिक जो फीचर्स हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा, और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते भी ये चीज हो रही है। तो बहुत सारे डिसीजन जो है वो आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर भी है कुछ, क्योंकि 50% वाला जो लाइन है, जो एक लिमिट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेटल्ड इशू था, लेकिन अब उसको लगातार चेंज किया जा रहा है, लॉ के थ्रू ये लाया जा रहा है और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। तो इसके रिगार्डिंग आज आर्टिकल भी आया है, उसमें यही बात बोली जा रही है कि ये जो कोटा के फेवर में जो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, जो वर्डिक्ट आया है, उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि 50% वाली नॉर्म्स तो बिल्कुल फिर फ्लाउट हो रही है, और फिर जब अनरिजर्व के लिए 35% बच गया तो फिर कहां जाके टिकेगा, क्योंकि सब अपना अपना इशू दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए कुछ सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ओबीसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राजस्थान में केस बहुत बड़ा है, राजस्थान में जैसे ओबीसी का पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जो कैटेगरीज ओबीसी में आती हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वो अपना फिर अगर नंबर्स के हिसाब से मांगने लग गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आज उनको कितना मिल रहा है, लगभग 20% मिल रहा है, और पॉपुलेशन जो उनकी है वो 60-70% है। तो फिर अगर वो ये बोलने लग जाएंगे कि भाई हमारा नंबर तो इतना बड़ा है और हमें इतना ही मिला हुआ है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये भी दिखाया गया है कि 20% सीट ही अलॉट होती है और उसी के अंदर ही कॉम्पिटिशन होता है, तो उनका जो वो है जो कट ऑफ जो है वो जनरल से उन सबसे कहीं ज्यादा ऊपर जाती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया था कि अंडर 100 तो जनरल का कट ऑफ है और 160-170 जो है ओबीसी का कट ऑफ है। तो ऐसे में ये चीज कैसे जस्टिफाई होगी और कैसे वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, जहां एक तो रिजर्व्ड कैटेगरी बनाई गई थी बैकवर्डनेस के कारण, दूसरा पॉपुलेशन उतनी बड़ी है उसमें 20% पे फिक्स कर दिया गया और ज्यादा बढ़ गया है, तो ये इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है बहुत ही ज्यादा ये जो इशू है। अब ये क्या इंटेंशनली रिजर्वेशन के सिस्टम को डिस्ट्रॉट किया जा रहा है ताकि लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएं और लास्ट में इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाए फिर इसको कैंसिल कर दिया जाए, या तो ये चीज़ है इंटेंशनली और ये मतलब सिस्टमेटिक तरीके से है इस तरह का एक्सेप्ट करना, इस तरह का वर्डिक्ट देना हाईकोर्ट का, या फिर ये जो है कन्फ्यूज हैं बिल्कुल और ये समझ ही नहीं पा रहे कैसे करें और इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली 50% जो एक जो डिसाइड हुआ था
वो नहीं फॉलो हो रहा है और सेंटर ने खुद ने इसको फ्लाउट कर दिया और तो अब तो स्टेट्स उसको करेंगे ही करेंगे, तो सेंटर के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता है ये बोलने का कि आप इसको मत करो क्योंकि सेंटर खुद ही इसको फ्लाउट कर चुका है। तो ऐसे में ये हर्डल जो है ये बड़ा है और इसमें जो ये कैटेगरी बना दी गई है मराठास की, ये भी कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया है। हालांकि 16% के बजाय और 13% उसको एक्सेप्ट किया है, 3% कम करके किया है, लेकिन किया है उसको एक्सेप्ट। और ये जो इतना बड़ा डिमांड पॉलिटिकल खड़ी हुई थी उसको एक तरह से हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये चीज़ ये सिग्नल करती है कि अब सारे देश के अंदर ऐसा ही काम होने वाले हैं, ऐसे ही स्टेट जो है प्रेशर क्रिएट करेंगे। और बड़ा इशू अगर देखा जाए स्पेसिफिकली तो ओबीसी की कैटेगरी में ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक सजेशन था कि ओबीसी की कैटेगरी में 19% रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर इसी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए था और लंबे टाइम से कर लेना चाहिए क्योंकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नंबर्स बड़े हैं इनके अंदर, तो इसमें करना चाहिए था और इसका नंबर बढ़ा सकते थे। लेकिन स्पेशल कैटेगरी के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करना ये क्वेश्चनेबल बात हो गई है। अब ये जो ट्रेंड सेटर सेट हो गया है स्पेशली क्रिएट करके, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर ओबीसी में इंक्लूड करते तो एक अलग इशू था, लेकिन इसमें ना करके और अलग से ये किया गया है ये प्रॉब्लमेटिक बात है। इसमें ये हो जाएगा कि पॉलिटिकली तो भाई ठीक है कि अलग से टारगेटिंग हो गई और उनके बोलने के लिए एक बात हो जाएगी बढ़िया कैंपेनिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअल में अगर अपलिफ्टमेंट सही तरीके से प्रॉपर तरीके से करना था तो ओबीसी में डालना था और फिर उसको बढ़ाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्रिएट करके और ट्रेंड जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। अब ये बाकी देश में इसी तरह से हो जाएगा फिर ये दिक्कत हो जाएगी, कोई भी डोमिनेंट जो कास्ट है कुछ भी जो प्रेशर क्रिएट करके और वो अपना एक कैटेगरी अलग से बनवा लेंगी और फिर उसमें रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा, तो ये एक दिक्कत है। नेक्स्ट जो कल एक न्यूज आई थी कि 100 डे एक्शन प्लान जो है वो चार्ट आउट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने, ये किसके रिगार्डिंग है, ये है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सून। देखिए कोई भी ऑफिस में काम करते कोई सिस्टम के ऊपर है कुछ भी है और टीचिंग और रिसर्च कुछ भी एरिया है वहां पर लोकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन के लिए, और ये एक इंपॉर्टेंट मिशन लाया जाएगा। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है वो इसमें एम लेके चलेगी इस मिशन मोड के ऊपर, और इंग्लिश में और जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ट्रांसलेशंस होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो मदर टंग स्पीकर्स हैं उनका परसेंटेज दिया गया है इंडिया के अंदर इतना है, तो ये बड़ी नीड है। और जो पीएम स्टीएक क्या है, एक ओवर आर्चिंग बॉडी है। एक तो होता है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उसको एडवाइस करने के लिए होती है पीएमस्टीएक जो प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल होती है, जो उसको हेल्प करती है एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामलों के अंदर और कोई भी जो चैलेंजिंग जो टास्क हैं जो स्पेसिफिक हैं उनके रिगार्डिंग। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें हेल्प करता है और सारे जो है पीएसए का जो ऑफिस है वो ओवरसी करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच इंटरवेंशंस बाय कंसर्न एसटी डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज एंड अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो पीएसए का ऑफिस है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, तो इसी ने यह आइडेंटिफाई किया है 100 डे का एक्शन प्लान होगा और वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें स्टार्टअप्स की हेल्प ली जाएगी क्योंकि स्टार्टअप्स काफी इनोवेटिव होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मतलब कोई इशू के ऊपर ही वो अपना बिजनेस चलाते हैं, तो वो अगर इस मामले के अंदर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है कोई और वो उसको प्रमोट भी किया जाएगा और वो काफी फास्ट इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें स्टार्टअप्स का रोल बड़ा होगा। और नेक्स्ट है सेंट्रल रिलीजियस एक्शन प्लान ऑन हायर एजुकेशन। अभी देखिए इक्विप की एक बात पहले आई थी कि एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, इसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने की बात नेक्स्ट 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ने की है। हायर एजुकेशन के लिए है ये बात और अच्छी बात है ये करते हैं, तो स्पेसिफिकली और ये पूरा ईमानदारी से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बड़े चेंजेस आ सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स थे बहुत सारे, 10 टीम थी, 80 एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये सारा बनाया था और एचआरडी मिनिस्टर को ये सबमिट किया था। और इसमें 50 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स टाइमलाइंस के साथ में और मेथड्स कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं वो सब इसमें बताए गए हैं, सारा सजेशंस पूरा होलिस्टिक है इसमें क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये राय था। तो इसको ये आगे करने वाले हैं, आपसे पूछ सकते हैं इक्विप क्या है और क्या ये इन्वेस्टमेंट है 5 साल के लिए होगा नेक्स्ट और 5 साल का ये विजन है। ठीक है, और हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग है तो उन्होंने एक्शन प्लान दिया है, इसको एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट जो मीटिंग हुई है ओसाका में, आज भी होने वाली है, कल भी हुई थी, उसमें बड़े डिसीजंस कुछ देखने को मिले हैं। जैसे अनाउंसमेंट किया है ट्रंप ने किया है कि एक बड़ी ट्रेड डील इंडिया के साथ में होने वाली है और इंडिया ने बैलेंस करने की कोशिश की है, टेररिज्म को इन्होंने सबसे बड़ा इशू बताया है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, तो इसके ऊपर बड़े आर्टिकल जरूर से आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाइना ने अभी टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल JL-3,
ठीक है, जे एल थ्री है और ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होगी। सबमरीन लॉन्च, सबमरीन जो होती है वहां से ये लॉन्च हो सकती है, मतलब कि पानी के नीचे से जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका सबसे जो हाईलाइटेड इशू क्या है कि ये जो SLBMs होती हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए दो तरह की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक ऐसे जाती है, क्रूज ऐसे चलती है। मान लीजिए ये अगर सरफेस माने जमीन का, तो क्रूज ऐसे चलती है लगातार पैरेलल चलती है और वो क्रूज करती है हवा में, और ये बैलिस्टिक एकदम इसका इस तरह का पाथ होता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनकी रेंज काफी ज्यादा होती है, हजारों में होती है। जैसे हमारी अग्नि 5 है और अग्नि 6 भी बन रही है, इनका रेंज कितना है, 5-6 हजार से ऊपर है। और ये जो SLBM है इसका भी 14,000 किलोमीटर तक हो सकता है, 14,000 पूरा ग्लोब कवर कर सकती हैं। तो ये गजब की मिसाइल्स हैं, और चाइना का जो वैसे भी कैपेसिटी बहुत ऊपर है हमसे कंपेयर करते हैं हम, तो बातें बनाना बहुत आसान है, लेकिन इनकी कैपेसिटी को देखा जाए, जो इनका मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है, जो इनके पास टेक्नोलॉजी है, उससे अमेरिका भी लगातार स्ट्रेस में है, तो काफ़ी आगे है, 14,000 किलोमीटर की रेंज इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रांस, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये फ्रांस की पिक्चर है, देखिए टेम्परेचर वहाँ का 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 फ्रांस में, यूरोपियन कंट्री है और मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, मतलब कि हायर लैटिट्यूड्स में ही आती है, और वहाँ पर 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बहुत ही चिंताजनक और सोचने वाली बात है कि उन देशों के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा जिनको ठंडे देश माने जाते हैं हमेशा, और फ्रांस में उन्हीं में आता है, बर्फबारी सब कुछ होती है वहाँ पर भी होती है। 45.9 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ के एक एरिया में, गैलार्ग्यू एंड ले मोंटियो जगह के अंदर 45.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो ये तो एक अनइमेजिनेबल टेम्परेचर है, यूरोप की कंट्री के अंदर इतना टेम्परेचर है, तो आप सोचिए क्या कंडीशन हो रही है। 2003 में एक बार 44 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया था, लेकिन अब ये 15 के बाद में लगातार ऊपर जा रहा है टेम्परेचर। तो पिछले 4 साल जो हैं वो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर्स रहे हैं, और ये जो हॉटेस्ट जो टेम्परेचर है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए वो लोग कैसे सहन कर सकते हैं इसको, 45 जब इंडिया में होता है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, और यूरोप के लोग अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखेंगे तो मान लीजिए कि डिवास्टेशन तय है इस दुनिया का। इसलिए वॉर लाइक एफर्ट्स इनको करने पड़ेंगे, टेररिज्म से कहीं बड़ा मुद्दा ये है, ये बिल्कुल क्लियर मानना चाहिए। अब टेररिज्म की बात की जा रही है क्योंकि उसका एक हिडन एजेंडा है बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन इसको सब इग्नोर कर रहे हैं, और ट्रंप जैसे लोग जो इसको हॉक्स बता चुके हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि फ्रांस में टेम्परेचर 45 जा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। और एक इकोनॉमी से न्यूज़ आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या होता है, जैसे हमारा ट्रेड का जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है, वो आता है हमारा मेनली करंट अकाउंट डेफिसिट। और डेफिसिट तब बोलते हैं जब इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो कंपेरेटिवली क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। तो इसमें करंट अकाउंट जो होता है मेनली इसमें यही इसका कॉन्स्टेंट होता है, और इसमें हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है इसलिए ये बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी ये कम हुआ है, और जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं, 426.41 बिलियन डॉलर्स हैं, ये बहुत अच्छा नंबर है और अभी तक का हाईएस्ट ये माना जा रहा है। तो अभी जो क्वार्टर 4 था उसके अंदर ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, और इंपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उस स्पेकुलेशन का टाइम भी था इसलिए भी उसका एक रीजन है कि इंपोर्ट्स कम हुए थे, लेकिन अभी हमारा फॉरेक्स जो है ऑल टाइम हाई पे है, तो ये अच्छा सिग्नल है। आगे इसको कैसे मैनेज करते हैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। नेक्स्ट एक और चीज़ है जो एक फनी भी लगती है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सोशली, कि 535 फोन वॉकर जो हैं वो ढाका ट्रेन्स के सामने आके मर गए, इंटेंशनली नहीं, फोन देखते देखते चल रहे थे, उनको ध्यान ही नहीं था, और ये एक रियल सिचुएशन है, और बहुत बार देखते हैं ये, तो अपनी खुद के लाइफ में आप देख सकते हो, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो देखता हूँ कितनी बार लोग जो है हॉर्न सुनते ही नहीं है, कान में ईयरफोन लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहा, सुन रहा, लेकिन ध्यान बढ़ता है इंसान का। सबसे बड़ा इशू ये है कि इंसान का जो फोकस है वो एक बार एक ही जगह पर रह सकता है, दो जगह नहीं रह सकता है, लेकिन जो लोग बात करते रहते हैं ईयरफोन से या गाने सुनते रहते हैं उनका ध्यान कहीं और होता है, और उनको आवाज़ें सुन रही होती हैं लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं जाता है, इसलिए बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। और फिर ऐसे लोग जो आँख भी बहुत निकालते हैं, बहुत बार लोग ऐसे होते हैं जो एकदम पास में गाड़ी आ जाए तो आँख निकालते हैं पूरी तरह से, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है, दिखता है कि अगला 100 मीटर से हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, वो नहीं सुनते उसको। ऐसे ही कुछ लोग स्कूटी वगैरह पे चलते हैं, वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो स्कूटी वाले हैं ना, ये और भी बड़ी समस्या है, कान में ईयरफोन लगा लेंगे, फोन लगा लेंगे, एक हाथ में फोन पकड़ के ऐसे चलेंगे, कभी भी घुमा लेंगे उस गाड़ी को, और ऐसे लोग फिर बहुत एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट होता है, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, लेकिन गलती लोग करते हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, और खासकर जो इसमें नंबर जो हैं वो फीमेल्स के ज़्यादा बताए जा रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। तो सेल्फीज़ भी बहुत बड़े किलर्स हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, जो दुनिया में जो लोग सेल्फी खींचते हुए
मर गए, फिर इसकी पोजीशंस के ऊपर खड़े होते हैं और वो उसके कारण मर जाते हैं। लेकिन वो लोग ध्यान क्यों नहीं देते, क्योंकि फैक्ट क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जब वो सेल्फी ले रहा होता है तो उसका बॉडी का जो पोजीशन है वो उस सेल्फी के ऊपर सेंटर्ड हो जाता है, तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता, तो उसको लगता है कि हम बैलेंस कर लेंगे लेकिन हम गिर जाते हैं, तो ये रीज़न होता है। तो ये एक इशू है और इसका ध्यान हम सबको रखना चाहिए, और एक बड़ा मिनास ये बनता जा रहा है। नंबर्स छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, और इंडिया में जो हैं ये नंबर सबसे ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन जो है 1.3 बिलियन के उसमें, और 800 मिलियन सेल फोन यूजर्स हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो दुनिया में है 159 नंबर इंडिया में ऐसे हैं जो अपने आप को फोटो खींचते हुए मर गए, 159 लोग, तो कोई छोटा नंबर नहीं होता 1.59 अगर फोटो खींचते हुए ही मर जाए तो ये एक चिंताजनक बात है। कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के साथ में। एक छोटा सा और रह गया, सैटर्न का जो मून है टाइटन के ऊपर क्या मिला था, ये क्या सिग्निफिकेंस है, इसके नॉर्थ पोल के पास में और लेक्स मिली थी, लेक्स पानी के नहीं है लेकिन ये है मीथेन की, एथिलीन की, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसकी लेक्स वहां पर मिली थी, तो पानी की लेक्स नहीं हाइड्रोकार्बन्स की हैं, लेकिन कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है कुछ ऐसे माइक्रोब्स मिले जो कि हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही जीवित रह रहे हो, क्योंकि ऐसे हैं अर्थ के ऊपर देखे गए हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी जीवित रहते हैं, उनको ऑक्सीजन या फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हाइड्रोकार्बन्स पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे डीप ओशंस में देखे गए हैं ऐसे कि जो इस तरह के रिसोर्स पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर ऐसी कोई लाइफ का फॉर्म हो, तो ये देखना होगा। और 2026 में भेजा जाएगा, 8 साल उसको लगेंगे सैटर्न पे, मून पे पहुंचने में। सैटर्न का मून है टाइटन, याद रखना आपको नाम टाइटन, ठीक है। वैसे सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है जुपिटर, और उसका जो है मून्स अलग हैं, लेकिन सैटर्न का मून टाइटन बड़ा स्पेसिफिक है हमारे लिए, तो वो काफ़ी हद तक मेल खाता है, और उस पर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर लाइफ फॉर्म मिल सके, तो 2026 में इसको भेजने वाले हैं, और ये 34 में पहुंचेगा, नासा का ये प्लान है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी, और ये वर्ड्स हैं आज के जो पहले लगाना मैं भूल गया था।